हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इंतज़ार ख़त्म हुआ और फैट्स एंड ऑयल का पार्ट टू आ चुका है। तो फैट्स एंड ऑयल के पार्ट वन में हमने देखा था फैट्स एंड ऑयल के बारे में इंट्रोडक्शन, उनकी फैट रिएक्शन के बारे में, फिर हाइड्रोलिसिस, और ये पांचों हमने रिएक्शन देखी थी। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी यहाँ पे कि आप ये पार्ट टू जो स्टार्ट कर रहे हैं देखना, अगर आपने अब तक पार्ट वन नहीं देखा हो तो आप जाके वो पहले देख ले, जिससे ये आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, या आई बटन में भी डाल दूंगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। तो आज के हमारे टॉपिक हैं एनालिटिक कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को डिटरमाइन करेंगे जो हमारे हेल्प करती हैं फैट्स एंड ऑयल के अंदर। जब हम कोई फैट डाल रहे हैं, ऐड डाल रहे हैं, तो ऑयल और फैट जब हम डालते हैं तो कितनी क्वांटिटी में है, वो सही क्वांटिटी में है कि नहीं, कोई ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं, जैसे फ्री फैटी एसिड है, अगर वो ज़्यादा हो तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख के हमारे फैट्स एंड ऑयल, जो हमारे खाने के जो भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, घी वगैरह होते हैं, उनमें भी ये लिमिटेड क्वांटिटी में डाला जाता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। तो चलिए आज समझते हैं इन्हीं चीज़ों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसिड वैल्यू के बारे में। फ्रेंड, एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, ईस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू एंड एसिटाइल वैल्यू एंड रिचर्ड मैसल वैल्यू, ये छह टॉपिक हैं। हम इनको बारी बारी से समझेंगे। और हमारा रिचर्ड मैसल वैल्यू, जो RM वैल्यू वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा सीधे 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, और जनरल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, ये आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, और इसको समझने के लिए हमें पहले इन 4-5 को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्किप भी मत करना वीडियो को, अच्छे से पूरे से देखना, और आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आज आपकी यूनिट 3rd भी कम्प्लीट हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एसिड वैल्यू को। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन नंबर से भी जानते हैं, वैसे हम इन सब में न्यूट्रलाइजेशन ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं ये होता क्यों है। तो ये हमारा फैट्स एंड ऑयल में जो फ्री फैटी एसिड होते हैं उनको मीजर करने के लिए बनाया गया ये नंबर, यानी इस नंबर की हेल्प से हम फ्री फैटी एसिड जो हमारे फैट्स एंड ऑयल में होते हैं उनको हम मीजर करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होते हैं। एक और चीज़ यहाँ जान लें कि जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब ह्यूमन की बॉडी के लिए जो फ्री फैटी एसिड अगर ज़्यादा हो गए तो हार्मफुल हो गए। अब आप सोचेंगे फैटी एसिड तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, फिर ये हार्मफुल कैसे हो गए। तो फ्रेंड, जैसे ये हमने कल के लेक्चर में देखा था कि ये हमारा फैटी एसिड है और ये हमारा ग्लिसरॉल है, और ये हमारा मिलके फैट्स एंड ऑयल बनता है, मतलब सिर्फ फ्री फैटी एसिड, अगर ये ग्लिसरॉल इसके साथ ना मिले, सिर्फ ये हो फैटी एसिड, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। लेकिन अगर ये ग्लिसरॉल के साथ मिल जाता है, उसके बाद ये हमारा फैट्स एंड ऑयल बनाता है, तो वो हार्मफुल नहीं होता है। तो ये चीज़ मीजर करेगा कि कहीं कोई हमारा फैट है उसके अंदर कोई हमारा फ्री फैटी एसिड तो नहीं है जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है इसी चीज़ को। तो इसके लिए हम टाइट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। कैसे? इट इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्टली टाइट्रेटिंग ऑयल फैट इन एल्कोहलिक मीडियम। मतलब क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपल वैसे ही समझते हैं, हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया एक, इस सॉल्यूशन में हमने अल्कोहल मिलाया, मतलब हम यहाँ पे इथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, 95% इथेनॉल और थोड़ा सा ईथर, इनको हमने मिला लिया उसके साथ 50 ml ऑफ मिक्सचर, इन दोनों को मिला के हमने सैंपल जो हमारा फैट एंड ऑयल का सैंपल था उसके साथ हमने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 0.1 ml ऑफ KOH, अब यहाँ पे हमने KOH सॉल्यूशन लिया, इसके साथ हम इसकी टाइट्रेशन करा रहे हैं और इसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं। टाइट्रेशन प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार, आइए चलिए आज देखते हैं यहीं पे प्रैक्टिकली कि ये हमने क्या किया। एक हमने बीकर लिया, बीकर ले लो या कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हमने सैंपल डाला, फिर इसमें हमने 50 ml मिक्सचर डाला हमने इथेनॉल का, तो हमने इस सॉल्यूशन को अल्कोहलिक बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे KOH डाला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको छोड़ते जाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, टाइट्रेट, फिर इसमें इंडिकेटर के लिए हम फिनोप्थेलिन डाल लेंगे, और जैसे ही इंडिकेटर हमारा पिंक कलर का हो जाएगा, या पिंक कलर का होगा तो वो डिसअपियर हो जाएगा वाइट कलर, जैसे ही वो डिसअपियर होगा वहीं पर रोक देंगे, फिर हम इस ब्यूरेट की जितनी भी रीडिंग आई है उसको हम नोट कर लेंगे और हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे एसिड वैल्यू का, 5.61 N/W, यहाँ N हमारा ब्यूरेट की रीडिंग जो हमने यहाँ पे निकाली है, उसके बाद W हमारा है सैंपल वेट, जितना हमने सैंपल लिया था उसके, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो भी फैट एंड ऑयल है उसके अंदर कितना फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट है। फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस इसके क्या है कि ये फ्री फैटी एसिड को मीजर करने में हेल्पफुल करता है, वही होता है सिग्निफिकेंस का, मतलब हम समझते हैं क्या होता है, महत्व, मतलब कोई सी चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है, कोई चीज़ किस चीज़ में काम आ रहा है, मतलब आप हो घर में तो आप क्या क्या काम कर सकते हो, या आप क्या क्या काम कर रहे हो, ये आपके सिग्निफिकेंस हो गए। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस एसिड वैल्यू क्या है कि ये हमारा फ्री फैटी एसिड को पता लगा रहा है, और फ्री फैटी एसिड करते क्या है,
फ्री फैटी एसिड हमारे मतलब हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, तो हम इस चीज़ को पता लगाते हैं। ये बनते कैसे हैं, ये बनते कैसे हैं कि जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है, हमने हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कल पढ़ी थी, उसके तहत क्या है, जो हमारे फ्री फैट जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं, वो जब उसकी प्रेजेंस में H2O के साथ मॉइस्चर वगैरह की प्रेजेंस में क्या करते हैं, टूट जाते हैं और वो फ्री फैटी एसिड बनाते हैं। तो वही तो था, ये देखिए, ये हमने हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ये हमारे ग्लिसरॉल और ये हमारे फ्री फैटी एसिड बन गया, मतलब ग्लिसरॉल से छूट के अलग बन गए। तो ऐसे ये बन जाते, फिर हम इनको मीजर कर लेते हैं एसिड वैल्यू की हेल्प से। तो यहाँ हमारे एसिड वैल्यू कम्प्लीट होगा, ये हमारे हार्मफुल होता है इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरी हमारी है सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है क्योंकि इसमें टॉपिक भी 6 हैं और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है और समझना भी बहुत ज़रूरी है सारे के सारे, तो थोड़ा झेल लीजिए और देख लीजिए। तो चलिए सपोनिफिकेशन वैल्यू, अब हमने सपोनिफिकेशन वैल्यू पढ़ी थी कि सपोनिफिकेशन प्रोसेस हमने जब कल देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे फैट्स एंड ऑयल हैं उनके द्वारा हम क्या करते हैं, उनको सोप और साल्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, उनको सोप और साल्ट में कन्वर्ट कर रहे थे सपोनिफिकेशन में। यहाँ पे देखिए सपोनिफिकेशन है, तो हमने क्या किया, ये हमारा है पूरा ट्राइग्लिसराइड, इसके बेस किसी एल्कली की प्रेजेंस में हमने जब इसको रिएक्ट कराया तो ग्लिसरॉल अलग निकल गया और हमारे सोडियम साल्ट, हमारे ये साल्ट हैं, साल्ट या फिर हम इसको सोप बोल सकते हैं, सोडियम सोप या हमारे क्या हुए प्रेजेंस हो गए। तो यही हमारा सपोनिफिकेशन है और यही इसका प्रिंसिपल है। अब हम इससे वैल्यू कैसे निकालेंगे और ये वैल्यू हमारी हेल्प किस में करेगी, सिग्निफिकेंस क्या होंगे इसके, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो करते क्या है हम, सबसे पहले कि जो हमने ट्राइग्लिस, ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया सपोनिफिकेशन कैसे निकालते हैं, हमने ये पता चल गया। अब हम करते क्या है कि कोई भी फैट एंड ऑयल लेते हैं हम नोन क्वांटिटी का, मतलब हमको पता है कि वो हमने कितना लिया है मीजर करके, फिर उसको हम रिफ्लक्स के द्वारा एल्कोहलिक KOH के साथ मिलाते हैं। अब रिफ्लक्स मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, फार्मेसी में कुछ भी कठिन नहीं है अगर आपको उस वर्ड का मतलब, अभी आपको ये वर्ड कठिन लग रहा होगा जैसे रेंसिडिटी वाला वर्ड कल कठिन लग रहा था, लेकिन उसका आपको जैसे ही मतलब पता चल जाता है बहुत सिंपल लगने लगता है। तो यहाँ रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है, ये हम किसी चीज़ को प्योर कर रहे हैं। प्योर कैसे, घर में कभी भी दूध वगैरह जब आता है तो हम क्या करते हैं उसको उबालते हैं, बॉईल करते हैं ना, तो एक बार उसको बॉईल कर लेते हैं फिर वो बाद में ठंडा हो जाता है फिर हम उसको पीने लगते हैं, तो क्या है हमने उसको प्योरीफाई किया थोड़ा सा, हमने उसके बैक्टीरिया वगैरह मारे। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस है कि जो भी फैट्स एंड ऑयल हैं उनको हम जब केच का मिलाते हैं तो हम इसके साथ रिफ्लक्सेस करा लेते हैं, इसको थोड़ा हम एक वाटर बाथ वगैरह पे थोड़ी देर इसको हीट कराएंगे, फिर इसको वेपर वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको बाद में कंडेंस कर लेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे दोबारा नॉर्मल, तो हमारा वो प्योर हो जाता है। हमने किसी चीज़ को गर्म कर लिया, फिर कहते हैं ना कि पानी को अगर गर्म करके फिर उसको ठंडा करके पियोगे तो वो पानी बिल्कुल प्योर होगा, मतलब उसके सारे बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे। तो वही यहाँ पे रिफ्लेक्सेस है, फिर आपने सपोनिफिकेशन, अब इसकी टाइट्रेशन कराते हैं एसिड के साथ, हमने ये प्रोसेस कर ली रिफ्लेक्स, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी सपोनिफिकेशन हो चुकी है हमारी, उसके बाद हम इसकी टाइट्रेशन कराते हैं कैसे, हमने सैंपल को लिया इसमें बीकर में, इसमें कॉनिकल फ्लास्क में, फिर हमने यहाँ पे ब्यूरेट में हमने भर लिया 0.5 mL SCl, फिर हम इसकी टाइट्रेशन जब कराएंगे जितना वैल्यू आएगी उसको हम ए मानेंगे, यानी कि यहाँ पर 0.5 SCl लिया उसके द्वारा, यहाँ पे हमने इंडिकेटर के रूप में लिया है वही फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन, फिर फिनोफ्थेलिन सॉल्यूशन यहाँ पिंक होता है, जैसे ये वाइट मतलब डिसअपियर हो जाएगा, हम यहाँ पे कितना हमारा HCl यूज हुआ इस चीज़ को हम यहाँ पता कर लेते हैं कि हमारा HCl कितना यूज हुआ, और वही हमारा क्या है नंबर है कि आखिर हमें कितना HCl चाहिए था सपोनिफिकेशन के लिए। यही तो हमारा सपोनिफिकेशन है, देखिए डेफिनेशन क्या थी कि इट इज़ अ नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ मैंने HCl ले लिया, KOH रिक्वायर्ड, जो यहाँ पे हमने KOH यूज कर रहे हैं इस चीज़ को रिफ्लक्स कराने के लिए, तो हमने यहाँ पे कितना KOH लिया, यही तो हमारा अमाउंट, तो कितना KOH हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 gram ऑफ फैट एंड ऑयल्स को सपोनिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे हमने सपोनिफाई कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तब हम इसकी टाइट्रेशन करा रहे हैं HCl के साथ। तो यहाँ पे हमने जो ब्यूरेट की रीडिंग आई वो, फिर हम इसको एक बार ब्लैंक टाइट्रेशन कराते हैं जिसमें हम सैंपल नहीं लेंगे, खाली सैंपल के साथ टाइट्रेशन कराएंगे, उसके बाद हम इसको सपोनिफिकेशन वैल्यू के फॉर्मूले में पुट कर देंगे 28.05 फिर B - A / W, W हमारा क्या है वेट ऑफ सैंपल जो हमने सैंपल लिया था, फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोई भी जो फैटी एसिड हैं उनके वेट को पता करने के लिए, मॉलिकुलर वेट को पता करने के लिए। अब हमको उसका वेट पता होना चाहिए, कोई भी जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं फैट वगैरह तो उसमें फैटी एसिड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका वेट कितना है, तो उस चीज़ को पता करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं फॉर्मूला, मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट इज इक्वल टू MG ऑफ KOH, कितना हमने KOH यूज़ किया है मिलीग्राम में, और सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट,
तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है सपोनिफिकेशन की, इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि सपोनिफिकेशन वैल्यू हमारे यहाँ नीचे है रूट में, यानी कि अगर देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा सपोनिफिकेशन की वैल्यू होगी मॉलिकुलर वेट उतना ही कम होगा, और जितना मॉलिकुलर वेट कम होगा ज़्यादा होगा उतनी हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू कम होगी। तो ये हमारी सपोनिफिकेशन वैल्यू है। अब हम तीसरा अपना देखते हैं यहाँ पे, ये हमारी है ईस्टर वैल्यू। अब ईस्टर वैल्यू क्या है, अगर हम इसको सिंपली देखें तो हमारी ईस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। इसीलिए फ्रेंड्स कह रहा था कि सबको हमको बारी बारी से देखना है, क्योंकि एक दूसरे पर भी ये डिपेंड करते हैं। जैसे ईस्टर वैल्यू हमारी डिपेंड कर रही है कि ये सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू इस चीज़ पे है ना, तो ये हमारी है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, एक्यूरेट सैंपल लेते हैं, 2 ग्राम ऑफ सैंपल लिया, फिर इसको 25 ml ऑफ 0.5 ml इथेनॉय KOH, इसको भी हम KOH के साथ जब वो मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसको बॉइल्ड रिफ्लक्स, इसमें भी वही प्रोसेस है रिफ्लक्स वाली, हम इसको बॉइल्ड अंडर मतलब गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, थोड़ा कंडेंस करेंगे, उसके बाद उसको कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ठंडा, उसके बाद हम इसमें 20 ml पानी मिला देंगे, उसके बाद फिर हम उसको टाइट्रेट कराएंगे सेम जैसे हमने कराई थी 0.5 HCl के साथ। ये हमने टाइट्रेट कराई, उसके बाद हम उसमें इंडिकेटर भी हमने डाल दिया, टाइट्रेशन में इंडिकेटर पड़ेगा तभी तो पता चलेगा कब हमारे टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ है, टाइट्रेशन होगा फिर हम उसकी 2 रिपीट करा लेंगे ब्लैंक के साथ, एक मतलब खाली हमने रीडिंग ले ली, एक हमने सैंपल के साथ ले ली, फिर उनको हम जब टाइट्रेशन का डिफरेंस पता कर लेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी सपोनिफिकेशन के लिए हमें कितना एल्कली की रिक्वायरमेंट हुई। मतलब यहाँ पे वही है, बस इसमें हमने पता क्या किया कि हमारा जो एल्कली है यानी कि KOH जो हमने यूज़ किया वो हमने कितना यूज़ किया, मतलब कोई भी हमने सपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए हमने कितना KOH यूज़ किया, उस चीज़ को हम ईस्टर वैल्यू के द्वारा पता करते हैं। सिग्निफिकेंस इसका यही है कि द ईस्टर वैल्यू शो द अमाउंट एल्कली कंज्यूम्ड इन द सपोनिफिकेशन ऑफ द ईस्टर, मतलब एल्कली का कितना अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ सपोनिफिकेशन प्रोसेस में, उस चीज़ को हम ईस्टर वैल्यू से पता करते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी ये फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं कि ईस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, मतलब सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, इसको कर देंगे तो हमारी ईस्टर वैल्यू निकल आएगी, ठीक है फ्रेंड। अब हम समझते हैं हम ना अगला जो हमारा चौथा है वो हमारा है आयोडीन वैल्यू। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें हम क्या, इससे हम अनसेचुरेशन को पता करते हैं, मतलब कोई हमारा फैटी एसिड है उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, तो इस चीज़ को हम इससे पता करते हैं कैसे। सिंपल, हमने फैट है उसको हम आयोडीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं। अब आयोडीन जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड हटा के और खुद जुड़ जाता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, हमने 2 आयोडीन जोड़े I2, यहाँ पे देखिए एक आयोडीन यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ पे हमारा ये जुड़ गया I2। अब इस चीज़ से हम पता कैसे कर लेते हैं कि अब सिंपल है कि जितने ज़्यादा आयोडीन ग्रुप होंगे वो उतने ज़्यादा डबल बॉन्ड को ख़त्म करेंगे। अब हम यहाँ पे आयोडीन की वैल्यू पता कर लेते हैं कि आयोडीन वैल्यू कितनी है, इसी से हम पता कर सकते हैं कि किसी में डबल बॉन्ड कितने हैं। अब प्रिंसिपल इसका क्या कहता है कि द ऑयल फैट सैंपल टेकन इन कार्बन टेट्रा ट्रीटेड विद अ नोन एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉल्यूशन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब हमने किया क्या है यहाँ पे कि हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसके साथ हमने सैंपल जो हमारे ऑयल एंड फैट्स हैं उनको हमने ट्रीट कराया, फिर हम क्या करेंगे, हमें जो अमाउंट पता है कंसंट्रेशन अमाउंट पता है आयोडीन मोनोक्लोराइड की, उसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। अब हम इसको करते क्या है कि इसके बाद हमें ये एक्सेस है इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब हमने जो सॉल्यूशन बना है उसको सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट कराएंगे किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। अब इससे होता क्या है कि जो भी आयोडीन हैं जितने हैं वो हमें पता लग जाते हैं कि आखिर कितने आयोडीन इसमें फ्री हैं, लिबरेट जहाँ भी वर्ड आपका लिबरेट आ जाए यहाँ पे देखिए फॉर एस्टिमेशन ऑफ लिबरेट आयोडीन, तो लिबरेट मतलब होता है फ्री मुक्त यानी कि फ्री है जो, तो यहाँ पे हम इस प्रोसेस से पता कर लेते हैं कि हमारे आयोडीन कितने हैं किसी भी फैट्स एंड ऑयल में, और जितने ज़्यादा आयोडीन होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें डबल बॉन्ड होंगे, मतलब वो उतना ही ज़्यादा अनसैचुरेटेड होगा। तो सिग्निफिकेंस भी हमारा पता लग गया कि कोई कंपाउंड क्या है कितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड, उस चीज़ को हम इससे पता करते हैं, ठीक है। ये हमारा टाइट्रेशन यहाँ पे वही है 0.5 thiosulfate के बाद की है, फिर कितना हमने यहाँ यूज किया उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम फॉर्मूला 1.269 V - A/W। वी हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन और ए हमारी जो जहाँ पे हमने लिबरेट किया आयोडीन को उस टाइम पे जो हमारी टाइट्रेशन हुई वही, ये हमारी आयोडीन वैल्यू सिंपल निकल आती है। अनसैचुरेटेड लिपिड आर मोर सस्पेक्टेड टू रेंसिडिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमारी रेंसिडिटी होती है ना, मैंने पढ़ाया था कल बताया था कि जो हमारा खाना बासी हो जाता है या कोई भी फैट एंड ऑयल बिगड़ता है जितनी जल्दी, तो उस चीज़ को कैसे मीजर करते हैं, अनसैचुरेटेड, जो जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड होगा वो उतनी जल्दी मतलब ख़राब होगा,
तो इसी चीज़ को हम पता करते हैं आयोडीन वैल्यू से कि जितनी ज़्यादा आयोडीन वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा अनसेचुरेटेड होगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा है एसिटाइल वैल्यू, तो इसको जल्दी से समझ लेते हैं क्या है। तो इट इज़ द एम जी ऑफ के ओ एच रिक्वायर्ड टू एसिटिक एसिड लिबरेटेड बाई द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ द एसिलेटेड सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि एम जी ऑफ के ओ एच मतलब मिलीग्राम ऑफ के ओ एच हमें कितना चाहिए एसिटिक एसिड को लिबरेट करने के लिए। अब ये सब कहाँ से आए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो हमारा क्या है फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड हमारा क्या है ओ एच ग्रुप होता है फैटी एसिड में, जो हमारा के ओ एच होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लास्ट में सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लास्ट में ओ एच ग्रुप है ना एक, तो ओ एच ग्रुप होता है उसके साथ। अब यहाँ पे क्या होती है एसिटिक एनहाइड्राइड की जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस ओ ग्रुप पे हमारा एसिलेटेड फैटी एसिड ए सी मतलब ये हमारा एसिटिक एसिड जुड़ जाता है, एसिलाइटेड सॉरी एसिलाइटेड जुड़ जाता है, हमारा क्या बनता है एसिलाइटेड फैटी एसिड हमारा बनता है यहाँ पे ओ के साथ जुड़ के। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं मतलब हम इसका ब्रेक डाउन करा रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि फैटी एसिड हमारा अलग निकल गया और हमारा एसिटिक एसिड अलग निकलता है। अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या थी कि एसिलाइटेड सब्सटेंस जो हमारा है ये एसिलाइटेड सब्सटेंस है, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हमने यहाँ हाइड्रोलिसिस कराई है, उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड लिबरेट हो जाता है। तो एसिटिक एसिड हमारा ये लिबरेट हो गया यहाँ पे एसिटिक एसिड, फिर इस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना क्यूएच लगा, कितना मिलीग्राम ऑफ क्यूएच लगा, उसको हम जितना मीजर कर लेंगे वही हमारी एसिटाइल वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको कितना लगा एसिटाइल वैल्यू इस चीज़ को हम यहाँ से मीजर करेंगे, यही हमारा सिंपल है और यही हमारा यहाँ पे लिखा गया है प्रिंसिपली कि हम कैसे मीजर करते हैं। तो उसके लिए किया क्या है इन्होंने कि सपोनिफिकेशन वैल्यू के द्वारा इन्होंने यहाँ पे मीजर किया है कि इन्होंने टैंक सैंपल लिया, उसको 10 ग्राम सैंपल को बॉयल किया, फिर इसको 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड में मिला के 2 घंटे के लिए रख दिया, वही हमारा, फिर 600 ml पानी उसमें लिया, फिर इसको 30 मिनट के लिए बॉयल किया, उसके बाद क्या किया इनको सेपरेट करके और अलग अलग कर लिया, एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट है। और अब हमने क्या किया यहाँ पर कि डिटर्मिनेशन द सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस, फिर हमने एसिलाइटेड सब्सटेंस की सपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने यहाँ पे डिटरमाइन द सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ सब्सटेंस ए। अब हमने सब्सटेंस की और प्रोडक्ट वो जो एसिलाइटेड सब्सटेंस है उसकी और जो हमारा सैंपल है उसकी दोनों के हमने सपोनिफिकेशन वैल्यू निकाल के फिर हम यहाँ पे एसिटाइल वैल्यू के साथ यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करके यहाँ निकाल लेंगे। आपको ये मैन समझना था कि आखिर होता क्या है कि एसिटिक एसिड है इसको जितना हमने यहाँ से निकाला, एसिटिक एसिड आया कहाँ से हाइड्रोलिसिस से आया, और ये कहाँ से आया एसिड हाइड्राइड की इसके साथ जब रिएक्शन हुई फैटी एसिड से, तब अब इसको केवल कितना लगा यही हमारा मेन है एसिटाइल वैल्यू यहाँ पे। फिर हमारे ये इसके द्वारा निकाल लेते हैं, फिर सिग्निफिकेंस क्या है इसके कि OH ग्रुप को ये मीजर करता है कि कोई भी फैटी एसिड में OH ग्रुप कितनी है, यही तो यहाँ पे OH ग्रुप है एसिटिक एसिड, तो कितने हमारे OH ग्रुप यहाँ पे हैं उस चीज को ये मीजर करने में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब एसिटाइल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना किसी कंपाउंड में उतने ज्यादा फ्री फैटी एसिड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एसिटाइल वैल्यू। अब हम आखिरी पांचवा समझते हैं अपना आर एम वैल्यू रिचर्ड मिशन नंबर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये होता क्या है कि ये हमारा प्यूरिटी में प्यूरिटी ऑफ बटर को टेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल है, मतलब ये टेस्ट करते हैं हम किसी भी बटर वगैरह की प्यूरिटी को कैसे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ यूजफुल इन टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर सिंस इट कंटेन अ गुड कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड। अब वोलेटाइल फैटी एसिड जिसमें ब्यूटरिक एसिड कार्पोइक एसिड और कैप्रालिक एसिड ये आते हैं, ये हमारे कुछ मतलब उच्च दर्जे के होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो मतलब पानी में सॉल्यूबल है और थोड़े मतलब अच्छे, जैसे कहते हैं ना कोई वोलेटाइल नहीं चलेगा, ये लगा बहुत वोलेटाइल मतलब अच्छा है, इसमें थोड़ी करते तो मतलब अच्छा बेस्ट है ये थोड़ा, तो उसको हम बोलते हैं प्योर भी प्योरिटी, हम इसी चीज़ से मीजर करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द ml ऑफ 0.1 KOH रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट न्यूट्रलाइज द सॉल्युबल वॉलेटाइल फैटी एसिड डिस्टिल्ड फ्रॉम 5 ग्राम फैट। अब हम इसको ऐसे समझते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में, हमारे पूरा अच्छे से आप समझ में आ जाएगा कि आर एम वैल्यू क्या है। तो होता क्या है कि 5 ग्राम फैट हमने लिया डेफिनेशन के अनुसार, फिर इसको हमें क्या करना है डिस्टिल करना है, तो डिस्टिलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा। और जब हम फैट को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फैट दो भागों में डिवाइड होता है, मतलब एक हमारा नॉन वोलेटाइल एक वोलेटाइल फैटी एसिड। नॉन वोलेटाइल जो हमारा वाटर इनसॉल्यूबल है मतलब पानी में इनसॉल्यूबल होता है, इसको हम पोलेंस की वैल्यू के द्वारा निकालते हैं, लेकिन ये हमारे में नहीं है, हमें मेन है यहाँ पे आर एम वैल्यू। तो जो वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं जो पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में सॉल्यूबल होते हैं फैटी एसिड, उनको हम क्या करते हैं न्यूट्रलाइज करना है, तो हम यहाँ पे कहे अनुसार क्या करते हैं 0.1 N KOH सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसको कितना ml हम लें, अब यहाँ पे हम इसको टाइट्रेंस के साथ कराते जाते हैं, हमारा न्यूट्रलाइज जब हो जाए
जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा उस वक्त तक हमने कितना QH यहाँ पे यूज किया है वही हमारी वैल्यू है RM वैल्यू। ठीक है, यही हमारी सिंपल वैल्यू कि हमने यहाँ तक कितना RM वैल्यू ली, यही हमारा यहाँ प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है। देखिए ये हमने फाइनल करके एंड में क्या निकलता है, वाटर सॉल्यूबल फैटी एसिड होते हैं जो टाइट्रेट करके एल्कली के साथ, एल्कली हमारा QH है, RM वैल्यू को देते हैं। तो यही हमारी RM वैल्यू कि हमने यहाँ पे कितना की सिंपल फॉर्म में, एग्जांपल जैसे बटर है तो बटर की RM वैल्यू 25 से 30 होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि RM वैल्यू होती है जो वाइल RM वैल्यू जो एडिबल ऑयल वगैरह होते हैं उनके लिए एक लेस देन कम होती है। अब इस चीज़ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई भी मतलब अल्ट्रेशन को पता लगा सकते हैं। कैसे, हम इस चीज़ को चेक करके पता लगाते हैं कि कोई ऑयल एंड फैट्स है वो प्योर है कि नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, RM वैल्यू की मदद से। तो वाटर वगैरह इन चीज़ों को भी हम इससे पता लगाते हैं। इसके सिग्निफिकेंस भी वही है कि ये हमारी प्योरिटी वगैरह को टेस्ट करने में हेल्पफुल है। मतलब क्या है कि वाटर सॉल्यूबल, ये आप पढ़ लेना वही है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ और उसको थ्योरी फॉर्म में लिखा है, ये मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना या टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से भी डाउनलोड कर लेना। तो यही हमारा सिग्निफिकेंस है इसमें कि हम इसमें करते क्या हैं, बस प्योरिटी को पता लगाते हैं और वाटर फैट कंटेंट ये हमने पढ़ी लिया, अभी RM वैल्यू इसकी हाई होती है। उसके बाद क्या है, दीज डिटरमिनेशन हैव यूज फॉर एनालिसिस ऑफ बटर, की RM मतलब प्योरिटी को कुल मिलाकर फाइनली हमारे प्योरिटी को पता करने में हेल्पफुल है RM वैल्यू और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे सारे के सारे। तो अब हमारी यूनिट थर्ड इसकी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द हम इसकी यूनिट फोर्थ भी कंप्लीट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।